हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के क्रिकेट के किस्से वर्ल्ड कप स्पेशल। आज किस्सा उस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का जिसमें दंगे जैसे हालात हो गए थे। 13 मार्च 1996 विल्स वर्ल्ड कप पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस श्रीलंका। कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में मैच था, दुनिया का सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला क्रिकेट स्टेडियम, एक भी कुर्सी खाली नहीं, 1,10,000 लोग एक साथ एक ही जगह पर मैच देख रहे थे। और फिर ऐसा हुआ कि इन्हीं दर्शकों के कारण मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। दंगे जैसे हालात, स्टैंड्स में आगजनी हुई, कलकत्ता की जनता अपने ही देश के खिलाड़ियों के लिए भद्दी भद्दी गालियां बक रही थी। वही कलकत्ता और वही ईडन गार्डन्स जहां एक वक्त सुनील गावस्कर और उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी हुई और गावस्कर ने इस मैदान में कभी भी दोबारा न खेलने की कसम खाई थी। गावस्कर ने सच में उस मैदान में कभी भी नहीं खेला। कलकत्ता पुलिस को उस रोज मैदान खाली करवाना पड़ा। भारतीय और श्रीलंकाई खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वापस भेजा गया। और इस सब के साथ ही बात कई सालों बाद इस मैच के दौरान इंडिया के लिए गए कुछ फैसलों पर, एक पूर्व खिलाड़ी के उठाए सवालों पर भी। मैच के 4 घंटे पहले से ही स्टेडियम में दर्शक जमा होने लगे थे। अजहरुद्दीन ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला लिया। ये चौंकाने वाली बात थी, लेकिन श्रीलंका को इंडिया ने 251 रनों पर ही रोक लिया था और कई लोगों का ऐसा मानना भी था कि आधा मैच यहीं जीता हुआ था। जयसूर्या, कालू वितरणा और गुरसिन्हा के विकेट्स जल्दी जल्दी मिले, लेकिन फिर डिसिल्वा और रोशन महानामा ने अच्छा खेला और चमिंडा वास के भी 23 रन काम आए। श्रीनाथ ने 3 और सचिन तेंदुलकर ने 2 विकेट्स लिए। जवाब में इंडिया ने जब खेलना शुरू किया तो शुरुआती मामले को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि इंडिया फाइनल खेलने की तैयारी कर चुका है। 23वें ओवर में 98 रन बन चुके थे और सिर्फ एक ही विकेट गिरा था। सचिन तेंदुलकर इंडिया की नाव को बहुत ही आसान तरीके से खेल रहे थे। सचिन ने जब 50 रन पूरे किए तो ईडन गार्डन्स में मौजूद लोगों की हथेलियां इस तरह से शोर मचा रही थी मानो मोहाली में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की दोनों टीमों के सामने इंडिया से फाइनल में मुलाकात का दावा पेश कर रही हूं। लेकिन फिर सनत जयसूर्या की एक डाउन द लेग फेंकी गेंद पर सचिन को कालू वितरणा ने स्टंप आउट कर दिया। थर्ड अंपायर का फैसला आते ही टोनी ग्रेग ने एक सवाल पूछा, क्या यह एक अंत की शुरुआत साबित होने वाला है? शायद उन्हें भी नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला था। 6 गेंदों पर अजहरुद्दीन एक बेहद आसान कैच देकर आउट हो गए। इसके बाद 2 रन और बने कि संजय मांजरेकर आउट हुए। श्रीनाथ को पिंच हिटर के रूप में भेजा गया और वो भी 9 रन के अंतर पर रन आउट हो गए। 5 रन बाद अजय जडेजा आउट हुए और उसके 5 रन बाद नयन मोंगिया और उसके तुरंत ही बाद अगली ही बॉल पर आशीष कपूर कैच आउट हुए। 98 रन पर एक विकेट वाली टीम 120 पर 8 विकेट तक पहुंच गई। तेंदुलकर के आउट होने के बाद 75 गेंदे फेंकी गई जिसमें सिर्फ 22 रन बने और 6 विकेट गिरे। सिर्फ कांबली, कुंबले और वेंकटेश प्रसाद बचे थे और हर कोई जानता था कि इंडिया ये मैच हारने वाला था। इसके बाद वो हुआ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। स्टैंड से लोगों ने मैदान में बोतलें फेंकनी शुरू की। स्टैंड में कई जगहों पर आग लगा दी गई, कुर्सियां जलाई जाने लगी। मैदान के एक हिस्से में लोगों ने बाउंड्री पर खड़े श्रीलंका के खिलाड़ी पर चीजें फेंकनी शुरू कर दी। कप्तान रणतुंगा ने सभी खिलाड़ियों को बीच मैदान में बुलाया और अंपायर से शिकायत की। सिचुएशन हाथ से निकलती देखकर मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने प्लेयर्स को वापस बुलाने का फैसला लिया। उन्होंने सोचा था कि 15 मिनट में लोग शांत हो जाएंगे और मैच दोबारा शुरू होगा, मगर वो गलत थे। 25-30 मिनट तक लोग बोतलें और न जाने क्या क्या स्टेडियम में फेंकते रहे। क्लाइव लॉयड दोनों अंपायरों सिरिल मिशली और स्टीव डन को लेकर बाउंड्री के चक्कर लगा रहे थे और लोगों से शांत होने को कह रहे थे। इसके बाद एक बार फिर दोनों टीमें मैदान में आईं। इससे पहले कि एक गेंद भी फेंकी जाती, एक बार फिर श्रीलंका के खिलाड़ी पर कुछ फेंका गया। रणतुंगा ने इस बार और भी दृढ़ता से अंपायर से शिकायत की। अंपायर ने वॉकी टॉकी से रेफरी से बात की और मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने श्रीलंका को मैच अवार्ड कर दिया। बेहद निराश चेहरे के साथ अनिल कुंबले और रोते हुए विनोद कांबली पवेलियन की ओर वापस जा रहे थे। विनोद कांबली सालों बाद एक टीवी चैनल पर आए, न्यूज चैनल पर। साल 2011 नवंबर का महीना, उस मैच के 15 साल बाद कांबली ने कहा
कि मैच शुरू होने से पहले हर किसी ने यही सोचा था कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेंगे। यहां तक कि नवजोत सिंह सिद्धू पैड्स पहनकर तैयार थे कि अगर टॉस जीता तो वो ओपनिंग के लिए चले जाएंगे, लेकिन अजहर ने टॉस जीता और बॉलिंग चुनी। बकौल कांबली, मैच के कई फैसलों पर उन्हें शक हुआ और अब भी था। कांबली ने कहा कि उस मैच ने उनका करियर खत्म कर दिया था और उन्हें सेमीफाइनल में मिली हार के बाद बलि का बकरा बनाया गया। हालांकि सबा करीम, जो कि विकेट कीपर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कांबली को यह याद दिलाया था कि कांबली ने इंडिया के लिए उसके बाद भी खेला, यहां तक कि दोनों ने कनाडा में साथ में इंडिया के लिए खेला था। रिकॉर्ड्स भी ऐसा ही कहते हैं। 1996 के सेमीफाइनल के बाद कांबली ने 35 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। हां, उनका आखिरी टेस्ट 1995 में ही था। कांबली की इन बातों का जवाब उस टीम के कप्तान अजरुद्दीन ने दिया। उन्होंने सीएनएन आईबीएन से बात करते हुए कहा कि कांबली की बातें बकवास हैं। पहले फील्डिंग करने का फैसला टीम डिसीजन था और उस मीटिंग में टीम मैनेजर से लेकर हर कोई मौजूद था। अजहर ने कहा कि कांबली शायद टीम मीटिंग में सो रहे होंगे। साल 2000 में अजरुद्दीन पर बीसीसीआई ने मैच फिक्सिंग में शामिल होने के आरोप में आजीवन बैन लगा दिया था। उस वक्त के यानी 1996 वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया के टीम मैनेजर अजीत वाडेकर ने स्टार न्यूज पर ही कांबली से बात की और उन्हें बताया कि टीम ने पहले फील्डिंग इसलिए ली थी क्योंकि श्रीलंका टूर्नामेंट में काफी आसानी से टारगेट चेज कर रही थी, इसलिए पूरी टीम ने यही समझा कि पहले बॉलिंग करके श्रीलंका को हराया जा सकता था। साल 1996 का वर्ल्ड कप श्रीलंका ने जीता, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, और एक सच्चाई यह भी थी कि इसी टूर्नामेंट के दौरान भारतीय क्रिकेट के हिस्से में ईडन गार्डन्स ने एक बुरी कहानी लिख दी। 1996 के उस बदकिस्मत सेमीफाइनल मैच की अगली सुबह सीनियर पत्रकार प्रभाष जोशी को फ्लाइट पकड़कर मोहाली में होना था, जहां ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना था। एयरपोर्ट पर उनसे एक क्रिकेट रिपोर्टर ने पूछा कि आपको क्या ज्यादा शर्मनाक लगता है, अपना खराब खेलना या खेल बीच में बंद करवाना। प्रभाष जोशी ने जवाब दिया, महज इसलिए कि आप हार रहे हैं, बोतलें ईंट पत्थर आदि फेंक कर खेल ही ना होने दें तो ये खराब खेलने से ज्यादा शर्मनाक है। अगर आप विजय में विनम्र और पराजय में धीरज नहीं रख सकते तो आप महान क्या, एक अच्छे देश भी नहीं हो सकते।